एफ में देखिए, बट्टा दर दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हमें निकालना है बट्टा और अंकित मूल्य। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। तो एफ में हम लिखेंगे, माना कि अंकित मूल्य बराबर एक्स, अंकित मूल्य कितना है, ₹1 है। ठीक है, मान लिए हम कि अंकित मूल्य ₹1 है। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि 10% बट्टा दर है, तो बट्टा दर हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य दे दिया गया है। तो देखिए अंकित मूल्य में बट्टा दर कितना लग रहा है, x × 10%। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, ₹540। यानी देखिए अंकित मूल्य में ये हुआ बट्टा राशि, देखिए x × 10% कर देंगे तो बट्टा राशि निकल जाएगा, क्योंकि बट्टा दर हमेशा अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। तो देखिए अंकित मूल्य को जब ₹1 हम मान चुके हैं, तो अंकित मूल्य में से बट्टा राशि घटा देंगे, यानी जितना डिस्काउंट दे रहा है उतना घटा देंगे, तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए x − x × 10% बराबर 540 कर लेंगे। देखिए तो x का मान निकाल देंगे तो अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x−, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10 × x कितना हो गया, 10x, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 10x/100 बराबर 540। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। ठीक है, देखिए 10 से 10 है, नीचे कितना है, 100 है, तो 1 0 से 1 0 हम काट दिए। तो 10 लघुत्तम लेंगे तो 10x − यहाँ पे सिर्फ x बचा, यानी 1x, तो x लिख लेंगे बराबर 540। तो 10x में से x घटा तो कितना आ गया, 9x/10 बराबर 540। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 540 × 10, देखिए 10 भागा में है तो इधर जाके बायां से दायां गुना में हो जाएगा, 9 x के साथ गुना में है तो बायां से दायां जाके भागा में हो जाएगा। तो देखिए 9 × 6 = 54, यानी 60 बार में कट गया, तो कितना आ गया, ₹600। यानी देखिए इसका आंसर ₹600 आ गया। अंकित मूल्य x क्या माने थे हम, देखिए x माने थे अंकित मूल्य, जो कि ₹600 आ चुका है। अब हमसे पूछ रहा है कि बट्टा, तो बट्टा देखिए अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 600 − अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य कितना है, 540। तो 0 × 10 = 4 = 6, ₹60। यानी ₹600 हो गया अंकित मूल्य और ₹60 हो गया क्या, बट्टा, यानी बट्टा राशि ₹60 दे रहा है। ₹600 पे ₹60 क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, बट्टा को डिस्काउंट कहेंगे, तब जाके कितना में सामान को बेचा जा रहा है, देखिए ₹540 में। तो इस तरह से हम अंकित मूल्य निकाल लेंगे, फिर अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो आ जाएगा बट्टा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भरेंगे, तो एफ में देखिए हम भरेंगे ₹600, यहाँ पे ₹600, और बट्टा कितना दे रहा है, ₹60, तो यहाँ पे हम ₹60 भर देंगे, ₹60। ठीक है, अब देखिए जी में 15% है, ₹680 दिया हुआ है, यानी 15% और ₹680, यानी 15% है बट्टा दर, ₹680 है विक्रय मूल्य। तो अब हमें निकालना है अंकित मूल्य, तो इसी तरह से निकाल देंगे और फिर बट्टा निकाल देना है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो बट्टा आ जाएगा। तो जी में भी हम लिखेंगे, माना कि अंकित मूल्य बराबर ₹1। देखिए ₹1 हम यहाँ पे भी मान लेंगे, तो प्रश्न से कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे प्रश्न से अंकित मूल्य x में से
बट्टा घटा दें तो बट्टा दर कितना है 15%, तो एक्स गुने 15% लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 680 रुपया। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। अब देखिए अंकित मूल्य में से क्या घटा देंगे, बट्टा राशि यानी बट्टा, तो एक्स गुने 15% करेंगे तो बट्टा आ जाएगा, तो अंकित मूल्य माइनस बट्टा होता है विक्रय मूल्य, तो इसको हल कर लेंगे तो एक्स गुने 15 हो गया 15x, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, बराबर हो गया 680, 15x/100 हो गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 5 से कट रहा है, 5 × 15 = 20, तो कितना आ गया 3x/20। अब देखिए 20 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 20x - 3x = 680, तो 20x - 3x कितना हुआ 17x/20 = 680। अतः x बराबर 680 × 20/17, तो 17 से काट देंगे, देखिए 17 × 68 यानी 40 बार में कट गया, तो 4 × 2 = 8 यानी 800 रुपया आ गया अंकित मूल्य। तो देखिए यहाँ पे 20 क्या था भागा में, तो गुना में हो जाएगा, 17 है गुना में एक्स के साथ तो भागा में हो जाएगा, तो इस तरह से हम काट देंगे तो आ जाएगा 800 रुपया इसका अंकित मूल्य। देखिए एक्स हम अंकित मूल्य माने थे तो आ गया है 800 रुपया। अब हम निकाल देंगे बट्टा, तो 800 में से किसको घटा देना है, जो विक्रय मूल्य है 680 को, तो यहाँ पर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1 यानी 120 रुपया हो जाएगा इसका बट्टा। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे, तो इसको हम भर देंगे, देखिए जी में यहाँ पे भरेंगे 800 रुपया अंकित मूल्य और बट्टा कितना 120 रुपया, यहाँ पे भर देंगे 120 रुपया इस तरह से। अब एच में देखिए दिया हुआ है बट्टा दर, बट्टा यानी बट्टा दर और बट्टा दिया हुआ है, हमें निकालना है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो एच में भी हम लिखेंगे, माना कि अंकित मूल्य बराबर ₹1, अंकित मूल्य हम ₹1 मान लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि बट्टा दर है 20%, तो बट्टा है 60 रुपया, तो देखिए बट्टा दर हमेशा अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है यानी एक्स गुने 20%, तो कितना आ रहा है बट्टा राशि, देखिए एक्स गुने 20% करेंगे तो बट्टा आ जाएगा, तो बट्टा कितना दिया हुआ है 60 रुपया, तो हम 60 रुपया को बराबर करके लिख देंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखिए एक्स बराबर हो जाएगा 60/20%, देखिए 20% गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ क्या हो जाएगा भागा में, देखिए बराबर की इधर हुआ दायां तरफ, इधर हुआ बायां तरफ, तो बायां तरफ गुना में है तो दायां तरफ भागा में हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर, अब इसको हल कर देंगे तो बराबर 60/20 × 100 यानी प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा देते हैं, तो देखिए 20/100 लिखेंगे तो वो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। ठीक है, देखिए प्रतिशत नीचे है तो 100 ऊपर जाएगा, प्रतिशत अगर ऊपर रहता तो 100 नीचे आता। ठीक है, यानी प्रतिशत अगर हर में है तो अंश में चला जाएगा 100 गुना हो जाएगा, और अगर अंश में प्रतिशत है तो हर में 100 गुना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 20 × 60 हो गया यानी कितना आ गया 300 रुपया, देखिए इसका कितना आ गया 300 रुपया हो गया क्या अंकित मूल्य, एक सम अंकित मूल्य को माने थे, तो जब अंकित मूल्य आ गया और बट्टा आ गया तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो 300 में से 60 घटा देंगे यानी अंकित मूल्य में से बट्टा घटा देंगे, बट्टा दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा, देखिए 240 रुपया यानी 240 रुपया क्या हो गया विक्रय मूल्य, तो 300 रुपया हो गया अंकित मूल्य और 240 रुपया हो गया विक्रय मूल्य, तो हम यहाँ पे भर देंगे किताब में, तो यहाँ पे भरेंगे देखिए 300 रुपया और यहाँ पे 240 यानी 300 रुपया हो गया अंकित मूल्य, 60 रुपया बट्टा दे रहा है तो 240 हो जाएगा विक्रय मूल्य, जितना में बेचेगा वो
60 रुपये डिस्काउंट कर रहा है, यानी 300 रुपये दाम लिखा हुआ है उस पर, 60 रुपये कम कर रहा है तो 240 रुपये में बेचेगा, तो 20% बट्टा दर दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, यहाँ पे 25% है, 150 रुपया है, 25% है बट्टा दर, बट्टा है 150 रुपये, तो इसमें भी हमें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल देना है। तो आई में भी देखिए हम लिखेंगे, माना कि बराबर 100 रुपया, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, देखिए अंकित मूल्य पे ही बट्टा दर दिया जाता है, यानी 25% है, अब बट्टा कितना है 150 रुपया, तो हम बराबर में बट्टा लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 1×25% करेंगे तो बट्टा आ जाएगा, तो बट्टा दिया हुआ 150, यानी 150 के बराबर ही होगा। अब x बराबर कितना हो गया, 150/25%, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, जैसे हम इसमें बताए थे, तो 25 चौक 100, 15 चौक 60, यानी 150 चौक 600 रुपया, तो इसका हो गया 600 रुपया, क्या हो गया अंकित मूल्य, ठीक है। अब 600 में से 150 घटा देंगे तो आ जाएगा विक्रय मूल्य, देखिए अंकित मूल्य 600 है, डिस्काउंट यानी बट्टा दे रहा है 150, तो घटाएंगे तो 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, यानी 450 रुपया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 600 रुपया अंकित मूल्य और 450 रुपया विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम भर देंगे 600 रुपया और विक्रय मूल्य कितना हो गया 450, इस तरह से। अब जे में देखिए 1% है बट्टा दर और विक्रय मूल्य 990 रुपया दे रहा है, तो इसको भी हम हल करेंगे किसके जैसा, देखिए एफ जी के जैसा, जैसे एफ जी हल किए थे। तो इसमें भी हम लिखेंगे जे में, माना कि अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है और बट्टा पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य को हम एक्स मान लेंगे, 100 रुपया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो अंकित मूल्य में से बट्टा घटा देंगे, बट्टा कितना है तो 1×1%, यानी बट्टा दर हमेशा अंकित मूल्य पे ही होता है। तो देखिए एक्स माइनस 1×1% बराबर कितना दिया हुआ है 990 रुपया, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 990, तो अंकित मूल्य में से बट्टा घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा जो कि दिया हुआ है। तो एक्स माइनस 1×1% कितना हो जाएगा, 1/100, देखिए 1×1 1%, हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा, बराबर 990। अब देखिए 100 भाग 100 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 100x-x = 990, 100x-x, देखिए 100 लघुत्तम होगा तो 100×x-x हो जाएगा बराबर 990/100, तो देखिए 100x में से x गया तो 99x/100=990, अतः x=990×100/99। देखिए x=100 भागा में तो 100 गुना में हो जाएगा बायां तरफ, दायां से बायां, बायां से दायां, माफ कीजिए इधर बायां तरफ है इधर दायां तरफ, तो बायां से दायां क्या हो जाएगा गुना में 100, और 99 गुना में है तो 99 भागा में हो जाएगा, तो 99 से 99 खत्म हो गया, यानी एक बार में तो 10 आया, तो कितना आ गया देखिए 1000, इसका आंसर कितना आ गया 1000 रुपये हो गया अंकित मूल्य। अब 1000 रुपया में से घटा देंगे कितना बट्टा, देखिए 1000 में से क्या घटा देंगे, विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्या निकल जाएगा बट्टा निकल जाएगा, तो 0, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, यानी 10 रुपया हो गया इसका बट्टा। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम, 1000 रुपया अंकित मूल्य और 10 रुपया बट्टा। तो इस तरह से हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का FGHIJ हल कर लेंगे।